हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मीठा तीखा। तो आज हम बनाने जा रहे हैं ब्राउनी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। एक कप मैदा, डेढ़ कप चीनी डालेंगे। इसके अंदर मेजरमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, मेजरमेंट बहुत अच्छे से करके डालें। आधा कप कोको पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। अब हम इसे अच्छे से छान लेंगे और आप जिससे मेजरमेंट आप कोई एक कप ले ले उसी से आप सारी चीज़ें मेजरमेंट कर लें। अब जो ये बच गया हम इसे साइड में रख देंगे। अब हम आधा कप मेल्टेड बटर डालेंगे। आप या तो ऑलिव ऑयल डाल लें या फिर वेजिटेबल ऑयल डाल लें जिसके अंदर बिल्कुल स्मेल नहीं होती। 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम 3/4 कप दूध डालेंगे। धीरे धीरे करके डालें और साथ साथ मिक्स करते रहें ताकि लम्स ना बने। इसकी कंसिस्टेंसी ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ी होनी चाहिए ना ही ज़्यादा पतली होनी चाहिए। अब हम कढ़ाई में नमक डाल के इसे प्री हीट करेंगे 10 मिनट के लिए धीमी आंच पे। आप बैटर को कम से कम 10 मिनट तक मिक्स करें। जितना आप मिक्स करेंगे उतना अच्छा और फ्लफी केक बनेगा हमारा। अब हम कंटेनर को बटर या फिर ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे सारे किनारे। अब हम इसमें बटर पेपर लगाएंगे। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बस अच्छे से ग्रीस कर दे उसके बाद आप बैटर डाल सकते हैं। हमने अच्छे से हर जगह बटर पेपर लगा लिया है। अब इसके बाद हम इसे एक और बारी ग्रीस करेंगे बटर या फिर ऑयल से। अब हम इसमें बैटर डालेंगे। हमें बैटर सिर्फ 3/4 तक भरना है। अगर हम ज़्यादा भर देंगे तो फिर हमारा केक बाहर आ जाएगा क्योंकि केक फूलेगा, इसलिए हम इसे सिर्फ 3/4 भरेंगे। अब हम इसे अच्छे से टैप कर लेंगे ताकि इसके अंदर कोई बबल ना बने। आप चाहें तो वॉलनट डाल सकते हैं, अगर नहीं डालना तो मत डालिए। अब 10 मिनट बाद हम कंटेनर को कढ़ाई में रखेंगे। कढ़ाई में बहुत ध्यान से रखें, हाथ जल भी सकता है, गर्म होगा क्योंकि। अब हम 50-55 मिनट तक इसे बेक होने देंगे लो मीडियम फ्लेम पे। आप बीच बीच में चेक करते रहें 10 मिनट से 15 मिनट्स के बाद। 45 मिनट के बाद ये बहुत अच्छे से फूल गया था, लेकिन ये ऊपर से हल्का सा कच्चा था इसलिए हमने इसे 10 मिनट और बेक होने दिया। अब 55 मिनट्स के बाद ये बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया है। इसे आप चेक करें टूथपिक की हेल्प से। अगर टूथपिक में कुछ लगा हुआ आता है तो हमें इसे और बेक करना पड़ेगा, लेकिन 55 मिनट्स में बन जाता है। उसके बाद अब इसे बाहर निकाल लें और इसे ठंडा होने दें रूम टेम्परेचर पर। ठंडा होने के बाद ये इजीली निकल जाएगा। उसके बाद आप इसके सारे बटर पेपर ईजिली निकाल लें।
बहुत स्पंजी और सॉफ्ट बना है। आप चाहें तो चॉकलेट सिरप की हेल्प से गार्निशिंग कर लें। उसके बाद आपको जैसी भी शेप चाहिए आप उस शेप में काट लें। तो अब हमारी ब्राउनी तैयार है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपके पास कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। अगर आप हमारी कोई भी रेसिपी ट्राई करते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम मीठा तीखा लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप हमें वहाँ पर शेयर कर सकते हैं और वहाँ पर आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक यू गाइज, फिर हम मिलेंगे नई वीडियो के साथ।